दिनदारों, सबसे पहले हमारे आका इनामदार इमाम ज़मान नूर खुदा बिन बरहक नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजिर इमाम के मुबारक नाम पर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। दिनदारों, 1945 में दारुस्सलाम में इस्माइल एसोसिएशन की एक मिशन कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैही ने एक बहुत लंबा इरशाद मुबारक फरमाया। उस इरशाद मुबारक में मौला ने कुरान शरीफ की एक छोटी सी आयत कोट की, बल्कि एक आयत का हिस्सा कोट किया मौला ने। और मौला ने फरमाया कि एक तरफ पूरा कुरान, पूरे कुरान की मीनिंग, और दूसरी तरफ आयत का यह टुकड़ा, इसमें इतनी ज्यादा फिलॉसफी है। मगर मौला ने फरमाया जो सतही जहन के शरीयत के लेवल के लोग हैं, उनकी समझ में यह बात नहीं आएगी। वायत का टुकड़ा वो है जो हर मुसलमान जब किसी की मौत की खबर सुनता है तो उसकी जबान पे आती है कि इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं या हम अल्लाह से हैं और हम उसी की तरफ वापस लौट रहे हैं या लौटने वाले हैं। मौला ने उसकी वजाहत फरमाई कि अल्लाह एक समंदर है। हजरत अली अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी के दौरान उस समंदर से निकलने वाली एक नदी है, एक दरिया है, जो तेज रफ्तारी से इस दुनिया से गुजरकर अपने असल की तरफ वापस लौट रहा है। और हमारे पीरों की तालीमात के मुताबिक जो मोमिनिन है वो छोटे छोटे पानी के झरने, पानी के चश्मे हैं, जो अपने आप को उस दरिया से मिलाने की कोशिश करते हैं और वो दरिया उसको समंदर की तरफ ले जाता है। इस आयत में जो हिस्सा काबिल गौर है वो है राजिऊन, हम लौट रहे हैं, वापस जा रहे हैं। जाहिर है जब वापस लौट रहे हैं इसका मतलब यह है कि हम कहीं से आए हैं। कुरान हकीम में अल्लाह ताला का और भी पैगाम है कि वो इन्ना इला रब्बी कर रुजा, बेशक तुम्हारी वापसी तुम्हारे परवरदिगार की तरफ है। इस दुनिया में इंसान के अंदर जो नाखुशी, जो बेचैनी, जो इज़्तिराब है कि कोई भी चीज उसको इस दुनिया की सुकून नहीं पहुंचा सकती, उसकी वजह जो लोग बयान करने की कोशिश करते हैं, तरह तरह की वजूहात बयान करते हैं, मगर उसे बयान करने से भी वो कासिर रहते हैं। मगर एक बुनियादी वजह उसकी ये बताई जाती है कि इंसान के अंदर जो इज़्तिराब और जो बेचैनी की कैफियत है वो उसकी रूहानी जुदाई की वजह से है। अलामती तौर पर जब एक बच्चा पैदा होता है और वो रोता है तो उससे सिंबॉलिकली यही इंटरप्रिटेशन उसका लिया जाता है कि वो अपनी असल से जुदाई की वजह से, जुदाई की फिराक में रोता है। एक मिसाल इसकी बयान की जाती है कि उसे अपने असल से अलग होने की तकलीफ और अपने असल से अलग, अपने उस फिराक की जो फीलिंग है उसका वो इजहार कर रहा है। ज्या थकी तमें आविया हो जीरे वीरा, वहला जई त्या पहुंचो, ऐ मेरे भाई जहां से तुम आए हो जल्द वहां जाकर पहुंचो, जीरे अमने तमने एणे घर चारना, हम सबको उसी घर वापस लौटना है। इसी सिंबॉलिक लैंग्वेज को मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने अपने मसनवी, जिसकी कई जिल्दें हैं और बहुत तवील आपका कलाम है, जिसे रूहानी तालीमात और सूफी तालीमात का एक मास्टरपीस समझा जाता है, उसका आगाज इसी तरह की एक सिंबल से मौलाना रूमी करते हैं।
कि बिश्नऊ असनई चून हिकायत मी कुनाद वस जुदाई हो शिकायत मी कुनाद। बांसुरी से सुनो कि वो क्या शिकायत करती है। फ्लूट बांसुरी उसकी मिसाल देते हैं कि बिश्नऊ अजनई सुनो बांसुरी से सुनो क्या शिकायत करती है, क्या विपता सुना रही है। वस जुदाई हो शिकायत में कुनत अपनी जुदाई की शिकायत कर रही है। बांसुरी एक एक ऐसा साज है कि जब भी उसमें से आवाज निकलती है वो इंसान के दिल को बेचैन करती है, उस पर एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग पैदा करती है। वो बांसुरी कहती है कजनिस्तान तमरा बेबुरी ध्यान अज नफीरम मर्द जन नौली ध्यान। वो बांसुरी खुद बखुद तो बांसुरी नहीं बन गई है, वो बांसुरी बांस के जंगल से लाई गई है, उसे अंदर से क्लीन किया गया है, बिल्कुल साफ करके अंदर एकदम एक खला पैदा की गई है और फिर उसमें सुराख किया गया है। ये सब सिंबॉलिक चीजें हैं उसमें कि मुझे अपने जंगल से अलग किया गया। कजनेस्तान तमरा बबूरी ध्यान जिस दिन से मुझे मेरे जंगल से अलग किया गया है, मेरे वतन से अलग किया गया है, आज नफीरम मर्दुजन नौली ध्यान मेरी आहो बुका से मेरी पुकार से मर्दुजन हर एक रोता है, जो भी मेरी आवाज सुनता है रोता है। तो कहता है कि देखो जिस तरह मेरे अंदर एक बिल्कुल खला है और सुराख है मेरे वजूद के अंदर, वो कहती है कि सीन खोहम शरह असफिराक तौबगुयाम शरह दर्द इश्तियाक। मुझे ऐसे ऐसा सीना चाहिए, मुझे ऐसा दिल चाहिए जो जुदाई की वजह से जुदाई की फिराक में पारा पारा हो चुका हो, चाक चाक हो चुका हो, जिसको जुदाई के फिराक का अंदाजा हो। तौबगुयम शरह दर्द इश्तियाक तो मेरा जो शौक है मेरा जो दर्द है मुझे जो तकलीफ है मैं उसकी तफसीर उसे समझा सकूं। सखी वालम विरहनी वात के ना आगड़ कहिए रे, कोई संत मिले सुधीर तो समझी नहीं रही। ये हर एक के पास करने वाली बात तो नहीं है। वालम विरहनी वात महबूब से फिराक और जुदाई की बात किसके आगे करूं, कोई संत मिले कोई सेज है कोई संत है सुधीर समझने वाला तो समझी न रही है तो शायद उसे मेरी बात समझ में आवे। हर कसे के दूर मौंद अज असल खीश बाज जुयाद रूज गौरे वसल खीश। हर चीज जो अपने असल से अपने वतन से जुदा होती है वो अपने असल में वापस जाने की कोशिश करती है, जुस्तजू करती है। कुल्लु शैइन यरजिउ इला असलिही, हर चीज अपने असल को वापस लौटती है। मैटर मैटर को वापस लौटता है, सोल सोल को वापस लौटती है। पीरसन कबीर दिन की जो वेंती है आदम आद निरंजन निर्गुण आपे अरूप, पूरे के पूरा 50 पाठ आप पढ़े तो उसमें यही बातें हमें समझाने की कोशिश की गई है कि असल हमारा स्वामी तमे जुदा पड़िया था रूपिया। मौला आप हमारे असल हैं मगर अलग अलग रूप धारण करने के बाद हम आपसे जुदा हो गए हैं। और मौला से हुई मिलाप की बात की जाती है, मिलाप की तमन्ना की जाती है। तो इंसान के अंदर बुनियादी तौर पर जो बेचैनी है उसकी रूहानी वजह सबसे बड़ी वजह उसके बातिन में है, उसके अंदर है, और वो जुदाई है फिराक है, अपने असल की तरफ वापस जाने की जुस्तजू है। तो अगर महबूब से दूरी हम में बेचैनी पैदा करती है तो महबूब की कुर्बत
चैन पैदा करती है। महबूब की बातें चैन पैदा करती है, महबूब की आवाज खुशी देती। इसलिए हमसे कहा गया ना, हम चाहे कितने भी दरवाजे खटखटाते हैं और कितनी भी कोशिश कर लेते हैं, बास चीजें अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत कैटेगरिकली हमें फरमाया है। मौलाना हजर इमाम शाह करीम अल हुसैनी सलवातुल्लाह अलैहि ने भी अपने फरमान मुबारक में बहुत कैटेगरिकली फरमाया, उसमें बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश नहीं है। والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله, जो ईमान लाए और जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से सुकून हासिल करते हैं। आला بذكر الله تطمئن القلوب, आगाह हो जाओ कि अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून हासिल होता है। प्यासा को पानी न भी मिले तो पानी की आवाज से भी सुकून मिलती, पानी न मिले तो पानी के तज़करे से भी सुकून मिलता है कि भाई चलो पानी की बातें हो रही है तो उम्मीद है कि वो कहीं ना कहीं आसपास है जो मुझे मिलेगी। तो अगर महबूब की जुदाई, असल से जुदाई वो कॉज है हमारी बेचैनी का, तो उसका इलाज एक ही है कि उसकी तरफ देखें और उससे मुतल्लिका सारी चीजें जो है उसको अपने जहन में रखें, तो उसमें आराम और सुकून है। सिर्फ याद, जिक्र का मतलब याद, और याद हमेशा किसी पुरानी चीज को की जाती है, नई चीज को नहीं। जो चीज हमारे तजुर्बे में नहीं आई वो याद नहीं की जाती, याद उसी चीज को की जाती है जो एक दफा हमारे तजुर्बे से गुजरा है। और हमसे कहा गया अला बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की याद से। अल्लाह की याद से मुराद तुम्हारे असल वतन की याद है। मौला ने फरमाया आपको टाइम मिले तो बैठो, सुकून से बैठो, आधा घंटा बैठो, घंटा बैठो, दो घंटा बैठो, अपने आप के बारे में सोचो, अपने रूह से सवाल करो, अपने रूह के साथ कम्युनिकेट करो, रूह के साथ बात करो, अपने आप से पूछो तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो। आज मॉडर्न साइंस हमें दूसरे लफ्जों में वो बात बताती है कि भाई सीट क्वाइटली, हर चीज से अलग होकर आराम से बैठो। बात वही है, कंटेम्पलेशन, मेडिटेशन। आप उसके नाम बदल देते हैं, तर्ज बयान बदल देते हैं, हकीकत वही है कि अपने असल वतन की तरफ, अपने असल की तरफ लौट के देखो, मुड़ कर देखो, क्योंकि वही चीज है जो तुम्हें आराम देने वाली है, वही चीज है जो तुम्हें सुकून देने वाली है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब, याद रखो कि अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून हासिल होता है। जबकि आम तौर पर उसके अलावा बाकी सारी कोशिशें हम कर लेते हैं सुकून हासिल करने के बाद, एक वही चीज नहीं करते जिसके बारे में हमें कहा गया कि देयर इज ओनली वन श्योर की फॉर हैप्पीनेस एंड दैट इज इबादत। ये कोई बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल जुमला नहीं है कि इसके लिए हमें एक्सपर्ट इंटरप्रिटेशन और एक्सपर्ट व्यूज की जरूरत पड़े कि मौला क्या बोलना चाहते हैं। ये कोई शेक्सपियरियन इंग्लिश के अंदर नहीं बोला गया है, बहुत आम जुमले में है। मेरे ख्याल से उसके दो मीनिंग भी नहीं हो सकती है, बहुत सिंगुलर मीनिंग और लॉजिकल कंक्लूजन उसके अंदर है। देयर इज ओनली वन श्योर की फॉर हैप्पीनेस, एक श्योर की, एंड दैट इज इबादत। और फिर मौला ने फरमाया कि सिर्फ तुम्हें तकलीफ हो उसी वक्त भाग के जमात खाने आओ, ऐसा नहीं है। तुम्हारी हालत अच्छी हो उस वक्त भी हम मदद के वास्ते उसे याद करें या शुक्र के वास्ते याद करें, उस याद से गाफिल नहीं हुआ जा सकता। तो असल चीज ये है कि हम जो हमारा, हमारे वजूद के अंदर जो खला है, उस खला को पुर करने की कोशिश करें। और जो चीज वो खला पुर करती है अल्लाह की याद है, महबूब की याद, महबूब की बातें, महबूब का तस्करा जहां खुशी देता है वहां महबूब की सिफत भी खुशी देती है।
महबूब की सिफत भी जिससे आप मोहब्बत करते हैं, हम उसकी बातों को अपने ऊपर हावी करते हैं। हम किसी से मोहब्बत क्यों करते हैं? वो हमें अच्छा लगता है, और जब हमें वो अच्छा लगता है उसकी हर बात अच्छी लगती है। जब उसकी हर बात अच्छी लगती है तो उसकी हर बात को हम अपनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे असल वतन की तरफ लौटने का एक अंदाज, हमारी वो ओरिजिन, हमारी वो असल जहां से हम आए, उसकी कुछ सिफात अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। और आप देखें, उन्हीं सिफात के हवाले से हमें कहा गया, अगर ये सिफात अपनाओगे तो भी तुमको खुशी मिलेगी, तो भी तुमको राहत मिलेगी, तो भी तुमको सुकून मिलेगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो खल्लिकु बि अखलाकिल्लाह, अपने अंदर अल्लाह की सिफात पैदा करो। तो खल्लिकु बि अखलाकिल्लाह, अपने अंदर अल्लाह की आदतें, अल्लाह की सिफात पैदा करो। हदीस कुदसी में है कि या बनी आदम अतिअनी आज आलू का मिसली, ए आदम की औलाद मेरी पैरवी करो, मेरा कहा मानो, मैं तुम्हें अपने जैसा बना दूंगा। आज आलू का मिसली, उसमें क्या भाई, अगर मेरे जैसा बना दूंगा तो क्या होगा, वो क्वालिटीज क्या होगी? आज आलू का मिसली हयन ला यमूत, ऐसा जिंदा जो कभी ना मरे, जिस्म से मर जाएगा मगर कभी नहीं मरेगा। हयन ला यमूत व अजीजन ला यदिल, ऐसा आबरूमंद, ऐसा इज्जत वाला जो कभी जलील नहीं होगा। व गनीयन ला यफ्तकिर, और ऐसा गरीब, ऐसा अमीर, ऐसा धनवान जो कभी गरीब नहीं होगा, मेरे जैसा बना दूंगा। जरूरत किस बात की है? तो खल्लिकु बि अखलाकिल्लाह, अल्लाह की आदतों से, अल्लाह की सिफात से अपने आप को मुत्तसिफ करो। कुरान शरीफ में एक बहुत खूबसूरत सी आयत है, सिबगतुल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह का रंग, अल्लाह के रंग से अच्छा रंग किसका हो सकता है? भाई हमें तो अल्लाह के बारे में यही फरमाया गया है कुरान में कि लैस कमिस्लिही शैयुन, उसके जैसा कोई नहीं है, उसकी कोई मसल नहीं है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके बराबर कोई चीज नहीं है। सुभानहु व तआला अम्मा यकुलून उलुवन कबीरा, तुम जो भी कहते हो अल्लाह उससे बालातर है। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, तुम जो भी सिफात अल्लाह के बारे में बयान करते हो अल्लाह उससे बालातर है। और हमारे दाइयों ने कहा कि अल्लाह तो हमारे वहम गुमान में भी नहीं आ सकता, उससे बियॉन्ड है। तो उसका रंग कहां से आ गया भाई? जिन्हें रंग ने रूप नहीं, नहीं कुछ नाम न ठाम, न उसका रंग है, न उसका रूप है, न उसका नाम है, न कोई जगह है, मगर न वो रंग के बगैर है, न रूप के बगैर है, न जगह के बगैर है, और न नाम के बगैर है। ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, मगर अल्लाह इन तमाम चीजों से बियॉन्ड है, इन तमाम चीजों से बालातर है। मगर सिंबॉलिकली, जाहिर है कुरान पूरा सिंबल्स, पैराबल्स, मेटाफर्स से भरभरा हुआ है, हमें मिसालों से समझाने की कोशिश की जाती है। अल्लाह का रंग, अल्लाह के रंग से अच्छा रंग किसका हो सकता है? अल्लाह के रंग से मुराद अल्लाह की सिफात है। जेने रंग लिया अमतणा, ज्ञान में है, तिसे कैसा होवे गुमान, जिसने हमारा रंग अपना लिया उससे क्या गुमान हो सकता है। अली रंगे जे रंगिया ते पामिया मोख मुगत दीदार, जिसने अपने आप को मौला अली के रंग से रंग दिया। मौला अली के रंग से रंगने में क्या है? इमाम के रंग में रंगना क्या है? कोई रंग की पिचकारी डालनी है अपने बदन पे? नहीं, उनके मोहब्बत में घुल मिल जाना, उनकी सिफात अपने अंदर अपनाना। मौला फरमाते एक जगह पे, तमे हमारा जेवा थाओ, हम जैसे बनने की कोशिश करो। यानी आप देखें, मौला फरमाते हैं कि ऐसी अच्छी क्वालिटीज तुम अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करो। रंग कसुम्बो बाना को घुरे, घुर
ऊंची चोड़ मजीठ, ये कच्चा तितलियों का रंग, कसुम्बे के रंग के पीछे क्या भागता है कि तितली को हाथ लगाओ तो उसका रंग आपकी उंगलियों पे आ जाता है, उसका रंग खत्म हो जाता है। रंग कसुम्बो को घुरे बाना, घुर ऊंची चोड़ मजीठ, ये कच्चे रंग के पीछे कहां भाग रहा है, पक्का रंग अपनाने की कोशिश कर। ये पक्का रंग क्या है? अल्लाह की सिफात। जितनी भी नेकियां सोसाइटी में हमसे तलब की जाती है, बुनियादी तौर पर उनमें से कोई भी अल्लाह की सिफात से अलग नहीं है। एक अच्छा इंसान वो है जो दूसरों को माफ करता है, हम कहते हैं ना, अच्छा इंसान वो है जो लोगों से मोहब्बत करता है, अच्छा इंसान वो है जो लोगों पर रहम करता है। ये किसकी सिफात है सारी, ये किसकी सिफात? हमसे कहा जाता है लोगों से प्यार करो, लोगों से मोहब्बत करो। सबसे बड़ा मोहब्बत करने वाला कौन है? अल-वुदूद। सबसे बड़ा रहम करने वाला कौन है? अर-रहमान, अर-रहीम। उसी की सिफात है। अगर हमने किसी को माफ किया तो हमने अपने कमाल से कुछ भी नहीं किया है। उसकी सिफात में से एक छोटी सी सिफात अपनाकर एक छोटा सा उसको डेमोंस्ट्रेट करने की कोशिश की है। हमसे यही कहा जा रहा है कि अल्लाह ने वो चीजें हम में रखी है, उसको उजागर करें, अपने जिंदगी में उसको अपनाने की कोशिश करें, ताकि उसमें जो खुशी, राहत और आराम हमारी रूह के वास्ते है, वो हमारी रूह को मिल सके। तशबीहन बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला एक दफा फरिश्तों के साथ बातें कर रहा था कि मैं इंसान पैदा कर रहा हूं, इंसान को बहुत सारी खूबियां देना है, मगर मेरे पास एक बहुत बड़ा खजाना है, उसे मैं किसी ऐसी जगह रखना चाहता हूं जहां जल्दी से इंसान की निगाह ना पहुंचे। आप किसी पहाड़ की चोटी पे रख दें, इंसान तो हर जगह पहुंच जाएगा एक ना एक दिन। समंदर की तह में जाके रख दे कहीं, कहने इंसान एक दिन वहां भी पहुंचने वाला है। कोई ऐसी जगह बताओ जहां इंसान न पहुंचे। सब हैरान परेशान, अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रही है। एक तमसील है, एक मिसाल है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात कैसे ना, कि अगर इस तरह भी अगर कोई बात किसी की समझ में आ जाए। अल्लाह ने फरमाया, हां एक बात है कि इंसान हमेशा सामने की तरफ और बाहर की तरफ देखने वाला रहेगा, बहुत कम है जो अपने अंदर की तरफ देखेगा। तो बेहतर वो है कि मैं उसके उतने करीब रखूं कि उसको उसका अंदाजा भी ना हो और वो शायद उसकी तरफ देखे भी नहीं। जो खास ढूंढने वाला होगा वो उसको देखेगा। तो मैं इसे इंसान के दिल में रखता हूं। इंट्रोस्पेक्शन बहुत कम करने वाले लोग होंगे, बाकी ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका। सारी दुनिया घूम कर आ गया मगर घटमाए नौखंड प्रोथमी, घटमाए है केवलासा, घटमाए सा समंदर का वासा, पण गुर बिना जाए प्यासा, के सब कुछ अंदर है मगर ढूंढ रहा है इंसान बाहर की तरफ। अल्लाह फरमाता है ये मोहब्बत का खजाना मैं इंसान के दिल में छुपाऊंगा। तो हमसे कहा जा रहा है अपने बातिन की तरफ देखो, अपने अंदर की तरफ देखो, जहां अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे अंदर मोहब्बत का बड़ा खजाना रखा है। तो आराम, सुकून, राहत, खुशी, हैप्पीनेस जो हम जिसकी हम तलाश करते हैं, उसका बहुत बड़ा खजाना हमारे अंदर है। लोगों से मोहब्बत करना सीखें, लोगों को मोहब्बत दें। अल्लाह ने बहुत कुछ हम में दिया है, हमारे अंदर की बहुत सारी अच्छी क्वालिटी, खूबियां मादी चीजों के बोझ तले दब गई है, और जो हमारे नाखुशी और हमारे तकलीफ की बहुत बड़ी वजह है। कहते हैं एक हॉस्पिटल में ट्विन पैदा हुए। आम तौर पर कहते हैं कि ट्विन्स में से एक तंदुरुस्त होती, एक थोड़ी कमजोर होती। उन दो बच्चों का भी ऐसा ही था। एक बच्चा बहुत ही कमजोर था और डॉक्टर को तश्वीश थी कि ये नहीं बचेगा, और उससे बहुत ही दोनों को इंटेंसिव केयर में रखा गया था, मगर एक के वास्ते डॉक्टर का ख्याल था कि ये बच्चा नहीं बच पाएगा। तो डॉक्टर के साथ एक नर्स थी, उसने डॉक्टर से इजाजत चाही कि मुझे आप एक तजुर्बा कर देते।
डॉक्टर ने कहा बोलो। उसने कहा देखो डॉक्टर, ये ट्विन पैदा हुई है, दोनों साथ में आए हैं बच्चे, ये आपने इनको सेपरेट इंक्यूबेटर्स में रखा है, मैं चाहती हूं इनको साथ में रखो, एक ही इंक्यूबेटर में रखो। डॉक्टर ने कहा ये हमारे मेडिकल डिसिप्लिन के खिलाफ है, हम ऐसा नहीं कर सकते। उसने समझाने की कोशिश की कि डॉक्टर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ये आपके मेडिकल डिसिप्लिन से बियॉन्ड है। मिरेकल्स हैं दुनिया के अंदर, मोजीजात हैं, बहुत से ऐसी कुवतें हैं जिनको हम रिकग्नाइज नहीं करते हैं। आज दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर से कहते वी नो प्रेयर्स रियली हील बट वी डोंट नो हाउ। हमें पता है कि दुआ से इंसान तंदुरुस्त होता है, ये डॉक्टर्स कहते हमने देखा, मगर कैसे होता है कि हमारे पास उसकी कोई मेडिकल या साइंटिफिक जो हमारे पैरामीटर्स है उसमें वो चीजें आती नहीं, चूंकि हम उसको गेज नहीं कर सकते, हम उसको मेजर नहीं कर सकते, मगर इतना जरूर है कि वी सी द डिफरेंस। डॉक्टर आपने तो वैसे ही उम्मीद छोड़ दी, तो प्लीज मुझे ये तजुर्बा करने दो। तो इजाजत दी उसको, उसने दोनों बच्चों को इस पोजीशन में एक इंक्यूबेटर में रखा कि जैसे एक बच्ची दूसरे को हग कर रही है, बगलगीर हो रही, एक दूसरे को टच कर रही है। वरुण ने वो चेंज महसूस किया कि जो बच्ची दूसरी कमजोर थी वो उस हीलिंग टच की वजह से जो उसके ट्विन से उसे मिल रही थी वो रिकवर होना शुरू हुई। हमारे पास शायद इसकी साइंटिफिक रीजन ना होगा, लेकिन ये अल्लाह ने जो मोहब्बत इंसान के वजूद में रखा। बहुत दफा हजारों मेडिकल वो काम नहीं कर सकते हैं जो आपका किसी के साथ दो मिनट हाथ पकड़कर बैठना, प्यार से बातें करना, आपका लम्स, आपका टच वो काम कर सकता है। मोहब्बत का ये बड़ा खजाना अल्लाह ने हमारे अंदर रखा है, कंपैशन, हमदर्दी, शिफ्टिंग फ्रॉम कंडमनेशन टू कंपैशन, लोगों की मजम्मत करने और लोगों को कंडम करने के मुकाबले में उनके साथ हमदर्दी करें। अल्लाह ऐसा करता है, हम करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, चूंकि अल्लाह करता है इसलिए हमसे कहा गया दोस्तांदरा कुजा कुनी महरूम तू के बहुत दुश्मनान नजर दौरी, कि तू तो दुश्मनों को संभाल के बैठा है तो तू दोस्तों को कहां महरूम करेगा। हम कितनी दफा मायूस होते, हमारी कोई सुनता नहीं है, हमारी तरफ कोई देखता नहीं है, हमारा ख्याल नहीं रखता है। मौला रूम फरमाते हैं कि तू दोस्तांदरा कुजा कुनी महरूम, तू दोस्त को महरूम कैसे कर सकता है। तू के बाद दुश्मनान नजरदारी, तू तो ऐसे ऐसे दुश्मनों को पाल रहा है, पेट भर रहा है, उनको सब कुछ दे रहा है जो तुझे मानते नहीं है, तेरी दुश्मनी करते हैं, मगर ये तेरी सिफत है, ये तेरी सिफत है। इसका थोड़ा सा हिस्सा हमारे अंदर लाने की कोशिश की जाती है, वो हमें खुशी देती है। हमेशा हमसे कहा जाता है लेने के मुकाबले में देने में खुशी है, लेने के मुकाबले में देने में खुशी है, शेयरिंग में खुशी है। क्यों खुशी है? अल्लाह की सिफत है इसलिए खुशी है। हम डोनेशंस देते हैं, हेल्प करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, तो ये क्या है? हम तो शायद फिर भी थोड़ा सा रिकॉग्निशन मांग लेते, एक रसीद तो मांगते हैं कम से कम कि आपको डोनेशन दिया तो मुझे टैक्स रिलीफ मिलने चाहिए उसमें से। अल्लाह तो इतना भी नहीं मांगता। पूरी कायनात को फीड कर रहा है, एक हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको ऑक्सीजन का पैसा देना पड़ता है, अल्लाह पूरी कायनात को फ्री में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, एक पैसा नहीं मांगता उसके लिए, तो एक चीज है। पानी की बोतल खरीदने जाते हैं तो आपको पैसा देना पड़ता है, अल्लाह पूरी जहान का प्यास बुझाता है, वो कुछ नहीं मांगता इसके, कुछ नहीं मांगता। इसलिए कहते हैं कि देने में खुशी है, क्योंकि देने में खुशी इसलिए है कि थोड़ी देर के लिए उस इस एक्ट के अंदर, छोटी सी बात के अंदर, हमारे अंदर अल्लाह की एक छोटी सी सिफत हम पैदा करते हैं। बल्कि हमसे कहा यह गया है कि तुम्हारा पूरा वजूद अल्लाह की सिफात से मुत्तसिफ हो जाए, तो एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छे इंसान की सिफत दरअसल यही है कि अपने अंदर
अल्लाह की जितनी अच्छी बातें हैं वो पैदा की जाए, मगर वो सब हमारे अपने अंदर है। जो तब्दीलियां लानी है हमारे अपने अंदर। एक शख्स को कहते हैं आंखों की बड़ी तकलीफ हुई, दौलतमंद आदमी था, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको कलर्स से प्रॉब्लम है, रंगों का मसला है आपको, आपकी आंखों को रंगे चुभती हैं, सब्ज रंग हरा रंग ऐसा है जो आपको तकलीफ नहीं देता है, तो आप कोशिश करें कि सिर्फ हरा हरा देखें, आपकी नजरों के सामने सिर्फ ग्रीन होना चाहिए। उसने कहा नो प्रॉब्लम, मैं अफोर्ड कर सकता हूं, मेरे पास बहुत पैसा, सब चीज ग्रीन करवाना शुरू कर दिया, खुद अपना कपड़ा भी ग्रीन, अपने मुलाजिम का कपड़ा भी ग्रीन, अपना घर ग्रीन, जहां देखो ग्रीन 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 ग्रीन, सुकून मिला। कभी डॉक्टर ने सही कहा था, मैं ग्रीन देखता हूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तबीब को एक दफा ख्याल आया, चलो देखू मेरे उस दोस्त का हाल क्या है, उसकी तबीयत पूछूं, उसको घर चला गया तबीयत पूछने के वास्ते, मगर उसको ख्याल नहीं रहा, वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपना ही रंग का कपड़ा पहन के चला गया। तो डॉक्टर को देखते ही उसकी आंखों में तकलीफ होना शुरू हुई, तो मुलाजिम सब भाग के आए, पूरा उसको फौरन खड़ा खड़ा वहीं ग्रीन पेंट कर दिया डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर हंसने लगा उसके ऊपर कि भाई तू क्या सारी दुनिया को ग्रीन करने बैठेगा, मैंने तुझे कहा था हरा हरा देखो, तो सिंपल सी चीज है, हरे रंग का चश्मा पहन ले भाई, तो एक ग्रीन रंग का ग्रीन कलर का चश्मा पहन ले, ग्लास का, सब चीज हरी हो जाएगी तेरे वास्ते, तो किस चक्कर में पड़ा हुआ है। मोरल ऑफ द स्टोरी, चेंज योर विजन, चेंज योर विजन, अपनी नजर चेंज करो, दुनिया को चेंज करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अंदर है, सब कुछ हमारे अंदर है, और हमारी जो ऑथेंटिक सेल्फ ऑथेंटिक लाइफ है वो हमारे काबू में होना चाहिए। हम में से अक्सर दूसरों की जिंदगी जी रहे हैं, दूसरों की जिंदगी जी रहे हैं, किसको अच्छा लगेगा किसको बुरा लगेगा, ठीक है, ये करूंगा तो ये नाराज होगा, ये करूंगा मैं कैसा लग रहा हूं कैसा नहीं लग रहा हूं, सोसाइटी के अप्रूवल पे हमारी सारी जिंदगी गुजर रही है, मुझे क्या करना है उसके पास, उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। कहते हैं एंड ऑफ द डे, अपने आप को इमेजिन करे, हमारे दिन पूरे हो रहे हैं, हमारी उम्र खत्म हो रही है, आखिरी उम्र में हम बैठे और पीछे मुड़ के देख रहे हैं, कौन से रिग्रेट्स हैं जो हम अपने आप अपने साथ कैरी नहीं करना चाहते हैं, उस वक्त हम किन चीजों को देखकर शायद अफसोस करेंगे, काश मैं ये न करता और काश मैं ये करता, उस वक्त करेक्शन का टाइम नहीं होगा। जो रिग्रेट्स अपने साथ लेके नहीं जाना चाहते हैं तो वो अभी न करें, जिन चीजों को देखकर खुश होना चाहते हैं अपने आखिरी लम्हात में वो अभी से करें, ताकि हम उसको अपने साथ कैरी करें। सोक्रेट्स ने कितनी बुरी कितनी बड़ी बात कही है, आई हैव लिव्ड इनफ टू लर्न हाउ मच देयर इज आई कैन रियली डू विदाउट। अब वो कोई मैटेरियलिस्टिक दौर तो था नहीं, उस जमाने में लोगों के पास होता क्या था, गिनती के चंद चीजें होती थी, इसके बावजूद सुकरात कहता है कि मैं इतनी लंबी जिंदगी जी चुका हूं कि मैं सीख गया हूं कि अभी भी कितनी चीजें मेरे पास ऐसी है कि जिसके बगैर मैं चला सकता था, जिसके बगैर मैं जी सकता था। ही इज नियरेस्ट टू गॉड हु नीड्स द फ्यूएस्ट ऑफ थिंग्स। जिस इंसान की जरूरत कम से कम है वो अल्लाह के इतने करीब है, अल्लाह के नजदीक सबसे नजदीक वो आदमी है जिसकी जरूरतें बहुत कम है। जरूरतें हमारी भी बहुत कम है, एम्बिशंस हमारे बहुत ज्यादा है, गैर जरूरी लोड। एक दिन कहते जिंदगी भर मछली पकड़ने के बाद आखिरी दम पर अपने आप से ये सवाल नहीं करना कि भाई मैं मछली क्यों पकड़ रहा था, मुझे इसकी जरूरत तो नहीं थी, मैं इतना एक्यूमुलेट क्यों कर रहा था, मुझे इसकी जरूरत तो नहीं थी। दैट विल बी ए डे ऑफ रिग्रेट, मगर करेक्शन का टाइम नहीं होगा, करेक्शन का टाइम नहीं होगा। इसलिए
अपने आप को खुद संभाल के रखें। लिंडा एलिस कहती है कि आई हैव लर्न दैट द फ्रेज लेस इज मोर इज एब्सोल्यूटली ट्रू। कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, लेस इज मोर, कम ही ज्यादा है। और उसने कहा कि मैं सीख गई हूं कि कम ही ज्यादा है इसमें बड़ी सच्चाई है। With too much of what you don't need, it's hard to find the things you do. आपके पास ऐसी बहुत सारी चीजों का होना जिसकी आपको जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए ये मुश्किल बना देता है कि हम उस चीज को ढूंढे जिसकी हमको जरूरत है, जो हालत कबाड़ खाने में होती है। दुनिया भर का सामान होता है मगर जो चाहिए वो ही नहीं होता है उस वक्त वहां, क्योंकि गैर जरूरी चीजें बहुत होती है। तो कहते हैं कम से कम, यानी मादियत मैटेरियलिस्टिक चीजें कम से कम होंगी हमारे पास, तो हमारी जो एसेंशियल्स हैं वो हमारे सामने बिल्कुल वाज़े होगी कि हम भूलेंगे नहीं कि ये हमारी जिंदगी है। इस आखिरी फ्रेज के साथ मैं अपनी जगह लेता हूं, द विजडम ऑफ लाइफ कंसिस्ट इन द एलिमिनेशन ऑफ नॉन एसेंशियल्स। जिंदगी का जो कि हिकमत है, विजडम है, वो गैर जरूरी चीजों को एलिमिनेट करना है, निकाल देना है। जहां ना बोलना है वहां ना बोलो, हर काम करना जरूरी नहीं है, हर जगह जाना जरूरी नहीं है, हर दावत में जाना जरूरी नहीं है। हम जानते हैं क्या जरूरी है, और हम जानते हैं क्या जरूरी है तो वो करना है, वो हमारी रियल लाइफ है, वो हमारी ऑथेंटिक लाइफ है जो हमें हमारे असल से अलग करेगी। उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है जिस पे अमल न किया जाए, उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। हम सब जानते हैं सिगरेट पीना बहुत बुरी बात है, फिर भी अगर वो पीता है तो उस नॉलेज का उससे कोई फायदा नहीं है। हम सब जानते हैं जमात खाने जाना, सुबह शाम बंदगी करना बहुत अच्छी बात है, यही हमारी जिंदगी का मतलब है, मगर हम नहीं कर पाते या नहीं करते हैं, इस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। नॉलेज वो यूजफुल है जिसको हम जिंदगी में अपनाएं और उस पर अमल करें। खुदा बिन नूर मौलाना शाह करीम अलुस्तैनी हाजिर इमाम हम सबको रूहानियत के रास्ते पे आगे से आगे बढ़ाएं। मौला गज जमात के तमाम गुनाह माफ करे, सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे, आखिरी दम तक ईमान सलामत रखे, सुखी सलामत और आबाद रखे, दीदार नसीब करे। सलवात पढ़े दिनदार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद।